हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल करंट स्टडी पर स्वागत है। दोस्तों, हम बात करने वाले यूपी पॉलिटेक्निक के सेमेस्टर क्लासेस में फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए। दोस्तों, इस समय आपके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अप्लाइड केमिस्ट्री फर्स्ट के दोस्तों तत्वों का वर्गीकरण। इसका हमने पार्ट वन दोस्तों अपलोड किया है। अभी तक आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख सकते हैं। और दोस्तों, आपके लिए एक नई सूचना ये है, या आपको खुशखबरी है आपके लिए, कि मैं आपके लिए टेलीग्राम पर चैनल बना दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। दोस्तों, टेलीग्राम पर बहुत से कमेंट आ रहे हैं कि सर आपका जो साइड है वो शो नहीं कर रहा है, वहां पर हमारा चैनल शो नहीं कर रहा है। दोस्तों, तो आपको क्या सर्च करना है आपको हम बताने वाले हैं। तो पहले आप जस्ट क्या करिए कि आप प्ले स्टोर पर जाकर, आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर पर जाकर टेलीग्राम चैनल को क्या करिए, टेलीग्राम ऐप होता है उसको जाकर अपने इंस्टॉल करिए, ठीक है। उसको आप अपने मोबाइल पर इंस्टॉल करिए, उसके जस्ट बाद वहां पर एक सर्चिंग का आप जब अपना बना लेंगे, वहां पर अकाउंट आपका टेलीग्राम का बन जाएगा, तो वहां पर आप जो सर्च करेंगे वो करंट स्टडी ही सर्च करेंगे। बस आपको क्या करना है, करंट स्टडी, जो करंट और स्टडी के बीच स्पेस होता है उसको स्पेस को नहीं देना है, अर्थात सिंपल आपको सर्च करना है करंट, जैसे हम ये लिख रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपको स्टडी लिखना है, ठीक है। मतलब यहाँ पर आपको करंट के बीच में स्पेस नहीं रखना है, सिंपली आपको करंट स्टडी सर्च करना है, जो आपका स्पेस होता है उसको नहीं करना है। दोनों को एक साथ लगाकर करंट स्टडी आप सर्च करेंगे तो जो आपका सबसे ऊपर आएगा दोस्तों, वहाँ पर हमारा लोगो भी, जैसे कि आपका यूट्यूब पर लोगो हमारा है करंट स्टडी का, जस्ट ठीक उसी प्रकार आपका हमारे टेलीग्राम चैनल पर उसका लोगो है, वैसे ही सर्च करेंगे आपका ऊपर आ जाएगा, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा है करंट स्टडी हमने लिखा है, ठीक है, इसी प्रकार आपको वहाँ पर सर्च करेंगे तो आपका आ जाएगा। बिल्कुल दोस्तों, जस्ट आपका ऊपर आएगा, वहां पर लोगो हमारा दिखेगा, आप वहां से जाकर जुड़े। इसमें फायदा यह है दोस्तों कि आपको सभी वीडियो वहां पर प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है। आपको कोई भी दिक्कत, चूंकि इस पर कमेंट आ रहे हैं सर कि पार्ट वन अपलोड हुआ है पार्ट टू नहीं मिल रहा है, या आपको चैप्टर वन का मिला है चैप्टर टू का नहीं मिल रहा, तो वहां पर सभी आपको मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री सभी वीडियो वहां पर प्रोवाइड की जा रही है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़े, ठीक है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं, तो इसका पार्ट वन तो हमने आपके लिए अपलोड किया है, ठीक है, जिसमें एसपीडीएफ जो आपके ब्लॉक होते हैं, ये आपके तत्वों के वर्गीकरण में जो आपकी आवर सारणी होती है, ठीक है, पीरियाडिक टेबल होती है, उससे रिलेटेड हमने आपको पार्ट वन में अपलोड किया। ये सेकंड पार्ट में दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये है दोस्तों आपका आयनन विभव, जिसे आयनन ऊर्जा या आयनोजेशन पोटेंशियल एनर्जी या आयनोजेशन एनर्जी कहते हैं। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए कि ये आपको पेपर्स में पूछे जाते हैं कि आयनोजेशन मतलब आयनन ऊर्जा की डिफिनीशन, और साथ में आप इसके बारे में बताइए कि ये क्या कैसे मतलब होता है, कहाँ पर कम होता है, किसके लिए ज्यादा होता है, ऊपर जाने पर आवर सारणी में मतलब ऊपर जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, और बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, सब कुछ उसमें पूछा जाता है, ठीक है। तो ये क्या करें कि आप अच्छे से अगर इसको पढ़ लेते हैं तो आप आसानी से इसके इस पॉइंट से 10 पॉइंट आप लिख सकेंगे, तो आपको अच्छा नंबर मिल जाएगा। तो पहले तो आपको यह जानना बेहद जरूरी है कि आयनन ऊर्जा होती क्या है, ठीक है। इसके जस्ट बाद हम आपको दोस्तों ये भी बताने वाले हैं कि आयनन ऊर्जा के बाद ये इसका एक होता है दोस्तों, आप देख लीजिए यहां पर एक होता है दोस्तों इलेक्ट्रॉन बंधुता, जिसे दोस्तों कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये भी आपको जानना बेहद जरूरी है। तो पहले हम आपको यही बता देते हैं कि आयनन ऊर्जा क्या होती है। तो दोस्तों, आयनन ऊर्जा होती है किसी तत्व के गैसीय परमाणु के बाह्यतम कक्षा से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को ही क्या कहते हैं, आयनन विभव, आयनोजेशन पोटेंशियल या आयनोजेशन एनर्जी। इस एनर्जी को क्या कहते हैं, आयनोजेशन एनर्जी। मतलब किसी परमाणु, जो कोई गैसी परमाणु है दोस्तों, तो इसमें से किसी बाह्य इलेक्ट्रॉन से निकालने के लिए, किसी बाह्य कोष में, जो आपके ये बाह्य कोष होते हैं, कोई आपका दोस्तों क्या है परमाणु है, कोई गैसी परमाणु है, तो उसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे बाह्य कोष में, तो उस एक इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्या दोस्तों, जितनी ऊर्जा की एक इलेक्ट्रॉन्स को निकालने की आवश्यकता होती है, उसे ही क्या कहते हैं, आयनन ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। तो आप समझिए, आयनन ऊर्जा क्या होता है, किसी बाह्य कोष से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो ऊर्जा खर्च होती है, वो आयनोजेशन एनर्जी होती है। अब यहां पर दोस्तों, एक इलेक्ट्रॉन्स या दो इलेक्ट्रॉन्स या तीन इलेक्ट्रॉन्स, आप दो से तीन इलेक्ट्रॉन्स आप निकाल सकते हैं, आपके डिपेंड करता है कि वो परमाणु कैसा है, ठीक है। तो मैक्सिमम मतलब हम बात करने वाले कि जैसे किसी एक इलेक्ट्रॉन को आप निकालते हैं तो उसकी जो ऊर्जा लगती है उसे आयनोजेशन एनर्जी कहते हैं। आगे दोस्तों ये दिया गया, इसका जो यूनिट होता है, इकाई होता है, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति परमाणु होता है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन पर कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये आपका यूनिट होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति परमाणु। दोस्तों, ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको आपको करा रहा हूं, ठीक है। आप वीडियो के साथ बने रहें, और दोस्तों वीडियो हमारा अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। दोस्तों, यहां अगला पॉइंट ये दिया कि जब किसी परमाणु, ये भी एक इलेक्ट्रॉन की बात हो रही थी, कि जब किसी तत्व के एक परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला जाता है तो जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो उसे क्या कहते हैं, प्रथम आयनन विभव कहते हैं। क्या दोस्तों, फर्स्ट पोटेंशियल
फर्स्ट आपका दोस्तों आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है, लेकिन अगर इसी में से कहा जाए कि दूसरे और तीसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने की बात की जाए तो आप कहेंगे द्वितीय आयनन विभव और तृतीय आयनन विभव। ठीक है, अगर उसमें से दो इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं तो वो आपका द्वितीय आयनन विभव होगा, उसमें से तीन इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं तो आपकी तृतीय आयनन विभव होगा। ठीक है, तो आप दोस्तों आप एक दो तीन इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, तो अगर आप एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो आपका प्रथम आयनन विभव होगा, जो उसमें ऊर्जा लग रही है जो निकालने में वही आपका प्रथम आयनन विभव है। ठीक है, अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन आप निकाल रहे हैं तो द्वितीय और तीसरा निकाल रहे हैं तो तृतीय आयनन विभव। जैसा कि आपको यहां पर दिख रहा होगा दोस्तों, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर निकाला गया, यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों एक इलेक्ट्रॉन निकाला गया, उसके जस्ट बाद यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन निकाले तो ए प्लस आया, फिर उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन और निकाला तो ए टू प्लस आ गया, फिर जस्ट उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन और निकाला गया तो ए थ्री प्लस हो गया। ठीक है, तो इसमें तीन आयन तृतीय आयनन विभव तक इसमें एग्जाम्पल्स को दिया गया है। ठीक है, तो ये आपको हम आशा करते हैं दोस्तों ये आपको पॉइंट समझ में। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि आप आवर्त सारणी की बात करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आयनन विभव को प्रभावित करने वाले कारक, इसको कौन कौन से इंग्लिश में बोले दोस्तों, तो फैक्टर अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल, इसको कौन कौन से दोस्तों कारक जो हैं फैक्टर्स हैं वो इस पर इसको प्रभावित करते हैं। तो पहला पॉइंट दोस्तों है साइज ऑफ एटम्स, मतलब परमाणु आकार, परमाणु का आकार जो है वो क्या करता है, उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है इसका, या उसके कारण इस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो दोस्तों परमाणु का आकार जितना बड़ा होगा, समझिए परमाणु का आकार जितना बड़ा होगा बाह्यतम कक्षा में क्या होंगे इलेक्ट्रॉन नाभिक से बंधन से उतने ही कमजोर होंगे। ठीक है, यहां पर देख लीजिए, अगर परमाणु का आकार जितना बड़ा होगा बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन नाभिक से उतने ही कमजोर, बंधन से क्या होंगे उतने ही कमजोर होंगे, जिससे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा में क्या होगी कमी होगी और आयनन विभव कम होगा। अब पॉइंट समझिए, मतलब आपको कोई दोस्तों परमाणु दिया गया है तो उसमें जितने दूर इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब अगर बहुत बड़ा आपका परमाणु है, ठीक है, अगर आप दोस्तों आपका बड़ा परमाणु है तो क्या होंगे इलेक्ट्रॉन नाभिक से क्या होंगे दूर होंगे, तो उनके बीच जो बॉन्ड मतलब अट्रैक्शन फोर्स से बंधे हुए हैं उनके क्या होगा वो कम लगेगा, तो कम लगेगा तो इलेक्ट्रॉन्स को जो बाह्य कोश में है उनको निकालने के लिए क्या कम एनर्जी लगेगी, क्योंकि बाह्य कोश में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनसे अगर ज्यादा पास होंगे तो वो ज्यादा होंगे, ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स उसमें ज्यादा एनर्जी आपको लगेगी। ठीक है, निकालने में तो आपका क्या होगा जितने दूर होंगे बड़ा परमाणु होगा तो आपका क्या होगा इलेक्ट्रॉन निकालने में क्या होगी कम एनर्जी खर्च होगी। वही कहा जा रहा है कि अगर आपका कोई बड़ा परमाणु है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालने में कम ऊर्जा खर्च होती है, तो इसीलिए आयनन विभव का मान क्या होता है कम होता है। तो इसीलिए यहां पर बताया गया कि साइज ऑफ एटम बढ़ा, अगर आपका साइज ऑफ एटम बढ़ा है तो वहां पर आयनन ऊर्जा का मान कम होगा। ठीक है, उसके क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, आप ऐसा कह सकते हैं, जो आपका साइज ऑफ एटम होता है दोस्तों, साइज ऑफ एटम क्या होता है दोस्तों इसके किसके दोस्तों यहां पर आपके इसके आयनन विभव के विपरीत होता है, अगर आपका साइज ऑफ एटम ज्यादा है तो आयनन विभव कम होगा। ठीक है, अगले पॉइंट के दोस्तों न्यूक्लियर चार्ज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नाभिकीय आवेश क्या होता है, आपका कोई ये परमाणु दिया है तो उसके बीच में जो होता है आपका ये क्या होता है एक नाभिकीय आवेश होता है, तो अगर हम बात करें नाभिकीय आवेश जितना अधिक होगा इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण बल क्या होगा उतना ही अधिक होगा, जिससे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा अधिक होगी और आयनन विभव का मान क्या होगा अधिक होगा। मतलब यहां पर आपको नाभिकीय ऊर्जा की बात करें तो नाभिकीय न्यूक्लियर चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके दोस्तों आयनन विभव के, अर्थात अगर नाभिकीय आपका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा तो आपका आयनन विभव का मान बढ़ा। ठीक है, तो मतलब यहां ये पॉइंट है कि अगर आपका प्लस जो कोई परमाणु दिया है तो आपका क्या होगा नाभिकीय आवेश मान बढ़ेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन जो बाह्य कोश में है उनसे क्या लगे इसमें ये आपके नेगेटिव होते हैं इलेक्ट्रॉन, यहां पर पॉजिटिव है तो आपके क्या होंगे इनके बीच अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा ज्यादा होगा, अगर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा तो बाह्य कोश में जो इलेक्ट्रॉन है उनको निकालने के लिए ऊर्जा क्या होगी ज्यादा लगेगी। ठीक है, इसीलिए क्या होगा इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने की जो ज्यादा ऊर्जा लगेगी, इसीलिए दोस्तों नाभिकीय आवेश के बढ़ने से आपका आयनन विभव का मान क्या होता है बढ़ जाता है। ठीक है, ये क्या होता है ये नाभिकीय आवेश जो आपका दोस्तों ये आपका होता है नाभिकीय आवेश के प्रोटॉन और इसमें जो नाभिक होते हैं नाभिकीय आवेश क्या होगा दोस्तों कोई परमाणु है जो नाभिक होता है क्या होता है पॉजिटिव होता है, नाभिकीय आवेश पॉजिटिव होता है तो उनके बीच क्या होगा अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा लगेगा, अगर नाभिकीय आवेश ज्यादा है तो आपको इलेक्ट्रॉन निकालने में ऊर्जा क्या लगेगी ज्यादा लगेगी, तो इलेक्ट्रॉन्स निकालने में क्या ऊर्जा ज्यादा लगी तो मतलब आयनन विभव का मान बढ़ गया, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और ये आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है परमाणु आकार, ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था डायरेक्टली समानुपाती होता है। ठीक है,
अगले पॉइंट की दोस्तों स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब ये क्या होता है दोस्तों, स्क्रीनिंग पर परिरक्षण प्रभाव बढ़ने पर बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाले नाभिकीय आकर्षण बल कम हो जाता है और जिसके फलस्वरूप आयनन विभव का मान कम हो जाता है। अब ये क्या होता है दोस्तों, ये होता है कि स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है दोस्तों, आपके जैसे ये आपके कोष बनते जा रहे हैं ठीक है, बीच में आपके क्या है, ये तो आपका नाभिकीय आवेश है ठीक है, ये आपके जैसे ये कोष आप बनते जा रहे हैं तो इनके बीच दो कोषों के बीच जो आपका ये परत बनती है एक प्रकार की, ये परिरक्षण स्क्रीनिंग इफेक्ट मतलब एक स्क्रीनिंग टाइप बनती है। तो ये क्या होता है दोस्तों, अगर किसी नाभिकीय आवेश की जब बाहर बन गया, जैसा ये हम आपको बता रहे हैं यहां पर ऐसे जैसे बन गया, तो क्या होता है ये आपको स्क्रीन का काम करता है, मतलब ये एक रेजिस्टेंस रुकावट का काम करता है। तो उसमें क्या होता है, ये जो आपका पॉजिटिव है और बाहर क्या है इलेक्ट्रॉन निगेटिव है, तो इनके बीच अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाता है, एक दूसरे के प्रति कम हो जाता है ठीक है। इसलिए क्या होता है, अब इलेक्ट्रॉन को निकालना बाह्य कोष से क्या हो जाता है, आसान। यहां पर दोस्तों कुल मिलाकर सब कुछ किस पर डिपेंड है, ये इलेक्ट्रॉन्स और नाभिकीय आवेश अर्थात नाभिक पर डिपेंड है कि इन्हीं के बीच अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, उन्हीं को इलेक्ट्रॉन कुल मिला के हमको आयनन ऊर्जा क्या है, एक इलेक्ट्रॉन्स को किसी बाह्य कोष से, इलेक्ट्रॉन किसी गैसीय परमाणु के बाह्य कोष से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो ऊर्जा खर्च होती है वही क्या है, वो आयनन ऊर्जा है ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स को निकालने मतलब यहां पर स्क्रीन इफेक्ट में क्या कहा जा रहा है, ये यहां पर रुकावट कर गया, इनके बीच अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब कम हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स आसानी से आप निकाल सकेंगे, अर्थात ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आपको हम बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं दोस्तों आपको अच्छे से ये समझ में आ रहा होगा, ये पॉइंट आपको अच्छे समझ लीजिए, स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है और आपका न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, ये सब पॉइंट समझिए। अगर हम दोस्तों बात करें अब कक्षक की आवृत्ति, शेप ऑफ ऑर्बिटल की, ये क्या होता है दोस्तों, शेप ऑफ ऑर्बिटल कक्षकों की आकृति पर वे आयनन विभव का क्या मान प्रभावित करता है। जैसे एस कक्षक पी कक्षक की अपेक्षा नाभिक के निकट होता है, आपको पता होना चाहिए एस पी डी एफ दोस्तों, हमने कक्षक जो ब्लॉक्स ऑफ किए हैं एस पी डी एफ ब्लॉक्स हमने आपको बहुत डिटेल में दोस्तों पार्ट वन में बताया, अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ वहाँ से देख सकते हैं। और टेलीग्राम पर हमने आपको बताया कि आपको करंट स्टडी स्पेस नहीं रखना है, करंट स्टडी आपको टेलीग्राम चैनल पर जाकर सर्च करना है ठीक है। आप हमारे चैनल पर जुड़िए, आप हमारे चैनल जो है दोस्तों वहां पर टेलीग्राम पे उससे जुड़े, आपको सभी वीडियो प्रोवाइड होगी ठीक है। मतलब उसमें आपको दोस्तों कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि आपको मान लीजिए कोई नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता है हमारे किसी वीडियो का, तो आपको वहां पर आसानी से सभी वीडियो प्रोवाइड हो जाएगी ठीक है। तो दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं कक्षक की आकृति, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों ये आपका होता है क्या, नाभिकीय आवेश, जिसे आप बोलते हैं न्यूक्लियर, आपका ये क्या है न्यूक्लियर है ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज है यहां पर। तो आपको क्या होगा, ये आपको जो कक्षक बने हुए बाह्य कोष में, यहां पर पहले एस होगा फिर पी होगा फिर डी होगा फिर एफ होगा, तो सबसे करीब कौन होता है, एस होता है फिर पी होता है फिर डी होता है, फिर किसके करीब, पी आपके जो आवेश होता है न्यूक्लियर चार्ज इसके करीब ठीक है। तो आपके न्यूक्लियर चार्ज के करीब कौन सा है दोस्तों, सबसे करीब एस है फिर पी है फिर डी है और फिर आपका एफ है ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं दोस्तों यहां पर एस सबसे करीब है, तो इस पर क्या होगा अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा ठीक है। एस पी डी एफ में क्या है, ये आपके एस पी डी एफ आपके ये उपकोष है, इसमें क्या है इलेक्ट्रॉन है ठीक है, इसमें क्या है इलेक्ट्रॉन है, तो इनके बीच क्या होगा अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा लगेगा, तो इनके बीच जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है एस के बीच क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा ठीक है। अगर एस की बात करें तो सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद क्या होगा पी के बीच होगा फिर डी के फिर क्या होगा एफ के बीच, मतलब एस पी डी एफ आप जानते हैं दोस्तों, एस पी और डी और फिर आपका एफ, तो इसी क्रम से आपका दोस्तों ये प्लस है मान लीजिए, यहां पर आपको क्या होगा उसी क्रम से इस पर फोर्स लगता है, तो आपका जो एस कक्षक होगा उस पर उसको इलेक्ट्रॉन निकालने में क्या सबसे ज्यादा ऊर्जा लगेगी, और जो सबसे दूर है अर्थात एफ से इलेक्ट्रॉन को निकालने में उसकी तुलना में एस की तुलना में कम ऊर्जा लगेगी। तो आपका क्या होगा दोस्तों यहां समझिए, एस कक्षक पी कक्षक की अपेक्षा नाभिक के अधिक निकट होता है, एस कक्षक हमने आपको बताया पहले एस होता फिर पी फिर डी फिर एफ ठीक है, तो पी कक्षक की अपेक्षा एस कक्षक में इलेक्ट्रॉन का निकालना कठिन होगा ठीक है, पी कक्षक की अपेक्षा एस कक्षक, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव के पास आपका पहले एस होगा फिर पी होगा फिर डी होगा फिर एफ होगा ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स को निकालने में क्या होगी, सबसे ज्यादा ऊर्जा एस में लगेगी फिर पी में लगेगी फिर डी में फिर एफ में, तो सबसे आसान एफ में है और सबसे कठिन आपका एस से निकालना है ठीक है इलेक्ट्रॉन्स को, तो सबसे ज्यादा ऊर्जा आपका, तो ऊर्जा का क्रम यहां पर दिया गया है। अगर हम कक्षक की बात करें दोस्तों, उपकोष की बात करें, शेप ऑफ ऑर्बिटल की, तो एस में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स, एस ऑर्बिटल से आपको इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो सबसे ज्यादा ऊर्जा लगेगी आयनन ऊर्जा, फिर पी की लगेगी, उसके बाद डी और फिर एफ, सबसे कम एफ की और सबसे ज्यादा एस की ठीक है, चूंकि सबसे ये करीब है अट्रैक्शन फोर्स उस पर इलेक्ट्रॉन्स पर ज्यादा लगेगा ठीक है। आशा करते हैं दोस्तों ये पॉइंट आपको अच्छे समझ में आएगा। अगले पॉइंट की दोस्तों बात करते हैं कि आयनन विभव में समूह में परिवर्तन, अब हम सारणी में चले जाते हैं, सारणी मतलब समूह दोस्तों, ऊपर से हम क्या जा रहे हैं नीचे की ओर जा रहे हैं ठीक है, ऊपर से क्या जा रहे हैं नीचे की ओर अगर जाएंगे, तो यहां पर बताया गया है किसी समूह में
ठीक है, किसी ग्रुप में परमाणु क्रमांक के बढ़ने के साथ साथ आयनन विभव का मान घटता है, ठीक है, क्योंकि किसी परमाणु का आकार क्या होता है, बढ़ता है, जिसके फलस्वरूप बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों से क्या होता है, बंधन कमजोर होता जाता है और क्षारी धातुओं के प्रथम आयनन विभव के यहां पर मान आपको दे दिए गए हैं। पहले इसको समझिए क्या होता है, मतलब कोई अगर मतलब आप जैसे जानते हैं कि दोस्तों जो आपका पीरियाडिक टेबल होता है आवर्त सारणी, उसमें अगर आप नीचे ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं, कैसे दोस्तों ऊपर से नीचे जाते हैं, ठीक है, मतलब ग्रुप में आवर्त में ऊपर से नीचे जाते हैं, तो क्या होता है कि आपका जो परमाणु क्रमांक होते हैं उसका तेजी से मान बढ़ता है, ठीक है, क्या होता है परमाणु क्रमांक का मान बढ़ता है जिससे आयनन विभव का मान घटता है। ऐसा क्यों, जैसे आपका परमाणु का मान बढ़ेगा मतलब परमाणु का आकार बढ़ेगा, और आकार बढ़ेगा तो जो बाह्य कोष में इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके बीच क्या होगा, जो अट्रैक्शन फोर्स है उनके बीच बाह्य तो बंधन ऊर्जा बंधन जो बंध बना हुआ है वो क्या होगा कम हो जाएगा, ठीक है, क्या होगा अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा इन सबके बीच कम हो जाएगा, जिससे इलेक्ट्रॉन्स को निकालने में क्या होगी आसानी हो जाएगी, ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन्स को निकालने में आसानी होगी, जो कम मतलब इलेक्ट्रॉन्स को निकालने में आसानी का मतलब यहां पर क्या लगेगा ऊर्जा कम लगेगी, और ऊर्जा कम लगेगी तो मतलब आयनन विभव का मान क्या होगा कम होगा। तो वही कहा जा रहा है दोस्तों, अगर किसी सारणी की बात करें तो अगर आपका आवर्त सारणी है तो उसमें क्या होगा ऊपर से नीचे आप जाते हैं तो आयनन विभव का मान घटता है, आप इसको ध्यान रखिएगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि परमाणु का आकार बढ़ता जाता है जिससे आपका परमाणु क्रमांक का मान बढ़ता है, जिससे परमाणु का आकार बढ़ता है, परमाणु के आकार के बढ़ने से उसके आयनन विभव का मान घटता जाता है। आपको ये पॉइंट भी दिए गए हैं, जैसे लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम और सीजियम, ये आपको दिए गए हैं कि आपका जो क्षारी धातु होते हैं ऊपर से नीचे आपको दिया गया है, ठीक है, 3 लिथियम 11 सोडियम 19 पोटेशियम, आपको ये सब कुछ बताया गया है। अगले पॉइंट की दोस्तों हम बात करते हैं, अगला पॉइंट यह है कि किसी आवर्त की अगर बात करें तो आयनन विभव के आवर्त में परिवर्तन क्या होता है, किसी आवर्त में परमाणु क्रमांक के बढ़ने के साथ साथ आयनन विभव का मान बढ़ता है, ठीक है, और क्योंकि इस आवर्त में परमाणु क्रमांक के बढ़ने के साथ साथ परमाणु आकार घटता है, जिसके कारण परमाणु नाभिक के बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों के प्रति आकर्षण बल बढ़ता जाता है। अब यहाँ पर पॉइंट ये है कि जब किसी आवर्त सारणी में आप बाएं से दाएं की ओर जाते हैं, किधर दोस्तों बाएं से दाएं की ओर जाते हैं, तब क्या होता है कि आपके परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ आयनन विभव घटता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो आपका ये प्लस होता है और किसी आपके किसी आवर्त में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ परमाणु आकार घटता, आपको पता होना चाहिए दोस्तों जब आप बाएं से दाएं जाते हैं तो आपका परमाणु का आकार घटता जाता है, ठीक है, परमाणु क्रमांक तो बढ़ता है लेकिन आपका जो परमाणु आकार है उसके साथ क्या हो रहा है, यहां पर ध्यान दीजिए ये पॉजिटिव है आपका नाभिकीय आवेश क्या होता है जब बढ़ता जा रहा है तो इनके बीच ये इलेक्ट्रॉन्स है भाई इनके बीच अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता जा रहा है, ये प्लस पॉइंट भी तो बढ़ रहा है दोस्तों, परमाणु जब आपका प्लस बढ़ेगा मतलब कि आपका जब परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो आपका ये क्या होगा नाभिकीय आवेश जो है ये भी बढ़ता जाएगा, तो बाह्य कोष में इलेक्ट्रॉन्स उनके बीच क्या होगा अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता जाएगा, जिसके कारण क्या होगा दोस्तों आपका जो नाभिकीय रेडियस है आपके इसकी नाभिकीय त्रिज्या है वो क्या होती है घटती जाएगी, तो जिसके कारण क्या होगा कि उसका परमाणु का आकार घटता जाएगा और बाह्य कोष के इलेक्ट्रॉनों और नाभिक के बीच जो फोर्स होगा वो क्या होगा ये नाभिकीय से क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, अर्थात उनके बीच अट्रैक्शन फोर्स जो है वो कम हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा दोस्तों यहां पर देख लीजिए बाह्य कोष में इलेक्ट्रॉनों की आकर्षण बल क्या होगा बढ़ता जाता है, तो मतलब इसका समझने का ये है कि आप जब प्लस बाएं से दाएं जाते हैं तो आपका जो ये मतलब कि आपको जो परमाणु होते हैं उनका क्या हो जाता है आकार घटता जाता है, जिसके कारण नाभिकीय आवेश आपका और उनके बीच ये फोर्स बढ़ता जाता है, तो इलेक्ट्रॉन्स को बाह्य कोष से निकालने में ऊर्जा ज्यादा लगती है, इसीलिए यहां पर बताया जा रहा है कि किसी आवर्त में जब आप बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ आयनन विभव का मान बढ़ता जाता है, यही चीज मतलब कि बाह्य कोष से इलेक्ट्रॉन्स को निकालने में क्या होती है ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आपको यहां पर लिथियम बेरिलियम बोरान कार्बन और आपका नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियान ये सब कुछ आपको दिया भी गया है, ठीक है, और अगर हम दूसरे आवर्त की बात करें दोस्तों तो आपको बेरियम और आपका ये मतलब ये बताया गया है आपको ये पूर्ण रूप से बताया गया कि क्या कैसे होता है, हम आपको यही बताना चाह रहे हैं कि आपको जो आयनन विभव होता है अगर आप बाएं से दाएं जाते हैं तो उसका मान क्या होता जाए बढ़ता जाता है, इस पॉइंट को आप याद रखिए। अगले पॉइंट की दोस्तों हम बात कर लेते हैं तो इलेक्ट्रॉन बंधुता बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आपकी फिर बात कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट, उसमें क्या हो रहा था इलेक्ट्रॉन्स को बाह्य कोष से निकाला जा रहा है, ठीक है, उसमें बाह्य कोष से क्या जा रहा है इलेक्ट्रॉन्स को निकाला जा रहा है, इसमें बाह्य कोष में क्या एक इलेक्ट्रॉन को डाला जाएगा, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया जाएगा फिल कराया जाएगा, तो इसमें क्या है कि किसी गैसीय अवस्था
में किसी उदासीन परमाणु में एक बाह्य इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर जो ऊर्जा निर्मुक्त होती है। अगर दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जब किसी परमाणु में क्या एक इलेक्ट्रॉन को प्रवेश कराएंगे तो जो ऊर्जा उसमें से निकलेगी उसको इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो आपकी ऊर्जा एक इलेक्ट्रॉन को प्रवेश कराने निकलती है उसको क्या कहेंगे, उसको इलेक्ट्रॉन बंधुता कहेंगे। और यहां पर क्या था, आपको अभी आयनन ऊर्जा क्या था, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो ऊर्जा आप खर्च कर रहे हैं वो आपका है आयनन ऊर्जा। ठीक है, तो ये आप कंफ्यूजन एकदम दूर रखें दोस्तों, यहां पर हम कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं करना चाहते कि आपका आयनन ऊर्जा और इलेक्ट्रॉन बंधुता में क्या अंतर है। इसमें इलेक्ट्रॉन्स को क्या प्रवेश कराया जाता है इलेक्ट्रॉन बंधुता में, उसमें इलेक्ट्रॉन्स को एक इलेक्ट्रॉन को निकाला जाता है। ठीक है, तो किसी गैसीय अवस्था में किसी उदासीन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ने पर जो ऊर्जा मुक्त होती है, निर्मुक्त होती है, इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। इसे ईए से डिनोट करते हैं दोस्तों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इफिनिटी इसका होता है, फुल फॉर्म होता है। ठीक है, इंग्लिश में इलेक्ट्रॉन इफिनिटी कहते हैं, इसलिए इसे ईए शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। और दोस्तों इसका जो इलेक्ट्रॉन बंधुता का होता है, ईए इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति परमाणु या किलो जूल प्रति मोल इसका यूनिट होता है। और दोस्तों आपको पता होना चाहिए, हम आपको बताएंगे कि क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है सबसे अधिक होती है। आपको यहां पर क्रम भी दिया गया है कि क्लोरीन का सबसे ज्यादा होता है, उसका फ्लोरीन, ब्रोमीन और आपका दोस्तों यहां पर दिया है आयोडीन। ठीक है, तो ये आपको चार ये दिया गया है। इसमें क्या है कि आपको विद्युत ऋणात्मकता जो होती है इनकी सबसे ज्यादा, आप जैसा कि जानते हैं आपके ये फ्लोरीन जो होता है सबसे ज्यादा इसकी विद्युत ऋणात्मकता होती है। यहाँ पर जो बात करने वाले हुए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें तो क्लोरीन की एफिनिटी सबसे ज्यादा है, तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होती है। ठीक है, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन प्रवेश करना में सबसे ऊर्जा ज्यादा निर्मुक्त होती है। तो हम बात कर लेते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया कि आयनन ऊर्जा की भांति इलेक्ट्रॉन बंधुता भी प्रथम और द्वितीय होती है। कैसे, क्योंकि इसमें भी आप एक इलेक्ट्रॉन को दो इलेक्ट्रॉन को प्रवेश करा सकते हैं, आप चाहते हैं तो दो इलेक्ट्रॉन से एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश करा सकते हैं। तो आपको दिया दोस्तों, द्वितीय व उच्च इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान सदैव ऋणात्मक होता है, क्योंकि ऋण आवेशित परमाणु तथा जुड़ने वाले इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण करते हैं और ऋण आवेशित परमाणु में इलेक्ट्रॉन को जोड़ने की ऊर्जा व्यय करनी पड़ती है। मतलब यहां पर क्या है दोस्तों कि जब आप इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराएंगे तो आसानी से तो आपका हो जाएगा, लेकिन अब आप दूसरा और तीसरा इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराएंगे, जैसा कि आपको यहां पर दिखा, जब दूसरा और तीसरा इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराएंगे तो आपका जो आएगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, निगेटिव होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रथम और द्वितीय के लिए आपका क्या होगा, प्रथम के लिए तो आपको पॉजिटिव, लेकिन आपका द्वितीय व उच्च इलेक्ट्रॉन बंधुता के द्वितीय या तृतीय इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सदैव निगेटिव होती है। ठीक है, इसको जरूर ध्यान रखें, उसके लिए द्वितीय और उसके उच्च के लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है, इलेक्ट्रॉन बंधुता निगेटिव क्यों होती है दोस्तों, ये आपको पता होगा कि यहां पर एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दूसरा और तीसरा कराएंगे तो आपका निगेटिव इफेक्ट आएगा उस पे। ठीक है दोस्तों, यहां पर पॉइंट की बात करते हैं, इसके इफेक्ट क्या है, इस पर कारक पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वीडियो के साथ आप बने रहे दोस्तों, हम पॉइंट की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन इफिनिटी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इस टॉपिक की बात कर रहे हैं दोस्तों। अगर आप किसी परमाणु की साइज, जैसा कि हमने आपको बताया कि आयनन ऊर्जा में क्या साइज का प्रभाव पड़ता है, न्यूक्लियर चार्ज का क्या पड़ता है, सब कुछ इसमें बताने वाले, तो आपका जो साइज ऑफ एटम होता है दोस्तों, अगर हम किसी साइज ऑफ एटम की बात करें तो परमाणु का जो आकार होता है, तो परमाणु का आकार जितना अधिक होगा नाभिक पर जुड़ने वाले इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल क्या होगा, उतना ही कम होगा। ठीक है, तो परमाणु इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होगी और परमाणु का आकार अधिक होने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होगी। दोस्तों मतलब यहां पर यह समझना है कि जो आपका परमाणु है, परमाणु का आकार क्या है, जितना बड़ा होगा, ठीक है, परमाणु का आकार जितना बड़ा होगा तो आपका जो न्यूक्लियर चार्ज है यहां पर और इसके बाह्य कोष में इलेक्ट्रॉन है उनके बीच क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा दोस्तों, कम होगा, क्योंकि आपका क्या है रेडियस बढ़ गई तो उनके बीच क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स कम होगा। तो आपको एक इलेक्ट्रॉन को जो प्रवेश करा है, एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन जो उससे उच्च इलेक्ट्रॉन प्रवेश करा रहे हैं तो उनमें क्या होगा, उनमें कम ऊर्जा आपको लगेगी, क्योंकि उनके बीच क्या होगा, यहां पर आप देख लीजिए उनके बीच अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, उतना ही कम होगा, तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा कम होगी, आपको मतलब कि आपको इलेक्ट्रॉन को प्रवेश कराने में आसानी होगी, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो रही है यहां पर, कम हो रही है। एक इलेक्ट्रॉन को आप आसानी से, परमाणु का आकार अधिक होने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, कम होती है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को आप प्रवेश आसानी से आप करा सकेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। ठीक है, अगले पॉइंट की बात करते हैं तो नाभिकीय आवेश की, तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, तो आपका क्या होगा दोस्तों, नाभिकीय आवेश मतलब पॉजिटिव जो है ये आपका क्या होगा, परमाणु में जैसे अधिक होगा तो नाभिक तथा जुड़ने वाले इलेक्ट्रॉन के बीच क्या होगा, आकर्षण बल उतना ही अधिक होगा और परमाणु इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मतलब क्या होगा दोस्तों, बाह्य कोष में अगर इलेक्ट्रॉन और इसकी बात करें तो आपका नाभिकीय चार्ज बढ़ेगा तो इसके भी अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, इनके बीच बढ़ेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन को प्रवेश कराने में क्या होगी, ऊर्जा ज्यादा लगेगी, तो इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होगा, आपकी ज्यादा होगी। अगले पॉइंट की दोस्तों बात करते हैं, तो ऐसे परमाणु जिनमें पूर्ण कक्षाएं तो पूर्ण उपकक्षाएं तथा अर्धपूर्ण कक्षाएं पाई जाती हैं उनमें बाह्य
इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है, ऐसे परमाणु को इलेक्ट्रॉन बनता शून्य मानी जाती है। मतलब ऐसे परमाणु दोस्तों जहां पर एक इलेक्ट्रॉन को प्रवेश करने की भी कोई प्रायिकता नहीं होती है, ठीक है, एक मतलब कि उसकी कोई एलिजिबिलिटी नहीं थी, एक इलेक्ट्रॉन को भी प्रवेश नहीं कराया जा सकता है, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन इफिनिटी क्या होती है, शून्य होती है। इस टॉपिक को आप ध्यान रखिएगा। ऐसे इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऐसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जिसमें क्या होता है कि पूर्ण कक्षाएं या पूर्ण उपकक्षाएं या अर्धपूर्ण कक्षाएं में बाह्य क्रॉस ग्रहण कराने की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है, तो ऐसे परमाणु क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन बनता उनकी शून्य होती है। अगले पॉइंट की दोस्तों बात करें कि इलेक्ट्रॉन बनता का जो समूह होता है, अगर हम बात करें ग्रुप की, अभी हमने आपको बताया ग्रुप की बात मतलब जब आप ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं, किसी जब आप आवर्त सारणी में जाएंगे दोस्तों, तो आपका जो आवर्त सारणी उसमें ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं, तो क्या होता है किसी समूह में परमाणु क्रमांक के बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्या होता है, घटता है, क्योंकि समूह के परमाणु का आकार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, जिससे क्या हो रहा है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन के आकर्षित करने की नाभिकीय आवेश घटता है, ठीक है। क्या होगा दोस्तों, आप जो ऊपर से नीचे जाएंगे परमाणु क्रमांक का मान बढ़ेगा, जिससे क्या होगा परमाणु का आकार बढ़ेगा, परमाणु का आकार बढ़ेगा तो इनके बीच अट्रैक्शन फोर्स कम लगेगा, तो आपको इलेक्ट्रॉन जो आप इलेक्ट्रॉन्स क्या कराएं दोस्तों, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन्स क्या कराएंगे, यहां पर प्रवेश कराएंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन्स को यहां पर प्रवेश कराने का मतलब एक इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहे हैं, प्रवेश करा रहे हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन्स प्रवाहित करने के लिए आपको कम ऊर्जा लगेगी, तो वही कहा जा रहा है यहां दोस्तों, यहां समझिए, यहां आपको दिया गया किसी के उसी परमाणु में एक बाह्य क्रॉस जोड़ने पर, तो वही चीज मतलब एक इलेक्ट्रॉन्स को आपको ऐड करने की बात की जा रही है, तो एक इलेक्ट्रॉन बंधुता का क्या हुआ मतलब जब आप एक इलेक्ट्रॉन्स को प्रवेश कराने का मतलब, क्योंकि समूह में परमाणु का आकार बढ़ता है, जिससे क्या होगी अट्रैक्शन फोर्स जो होगा उनके बीच क्या होगा नाभिकीय आवेश और उनके बीच बढ़ेगा, तो आपका क्या होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान यहां पर जैसा कि दिया कि इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्या हो जाएगा घटता जाएगा, तो आप ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे, तो आप ध्यान रखिए कि आवर्त सारणी जो ऊपर से नीचे जाते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो घटती जाती है। अगर दोस्तों हम इसी में बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बाएं से दाएं जाते हैं, ठीक है, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाएं मतलब किसी आवर्त में परमाणु क्रमांक का मान बाएं से दाएं जाएंगे तो बढ़ता जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ता जाएगा, आवर्त में नाभिकीय आवेश क्या होता है बढ़ता जाता है, बाएं से दाएं जाएंगे क्या दोस्तों परमाणु क्रमांक बढ़ेगा, तो मतलब पॉजिटिव जो है आपका नाभिकीय आवेश परमाणु क्रमांक के मान बढ़ने से नाभिकीय आवेश भी बढ़ता जाएगा, और परमाणु आकार क्या होता है घटता जाएगा, क्यों घटता जाएगा दोस्तों बाह्य कोष में जो इलेक्ट्रॉन है इनके बीच क्या होगा अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता जाएगा, जिससे उसकी रेडियस परमाणु जो त्रिज्या है वो घटती जाएगी और परमाणु के बाह्य इलेक्ट्रॉन की आकर्षण आकर्षित करने की प्रवृत्ति बढ़ती जाएगी, जिसके फलस्वरूप आवर्त में इलेक्ट्रॉन बनता बढ़ जाएगी, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को प्रवेश कराने में फिर ज्यादा ऊर्जा लगेगी, क्योंकि क्यों ऐसा हो दोस्तों यहां पर पॉजिटिव होता है यहां पर निगेटिव होता है, तो आपका जब यह प्लस बढ़ता जाएगा तो आपको इलेक्ट्रॉन क्या होता है निगेटिव, तो आपको यहां पर प्रवेश कराने में क्या होगी आपको ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होगी, तो वही आपसे यहां कहा जाए कि जितने आवेश मतलब इलेक्ट्रॉन की बंधुता बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती जाती है और ऊपर से नीचे आने पर घटती जाती है। तो हमने इसमें आशा किया दोस्तों आपके ये टॉपिक सभी समझ में आएंगे, ये आपके जो टॉपिक्स थे दोस्तों इलेक्ट्रॉन बंधुता और आयनन ऊर्जा, ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट था, तो इस वीडियो में आपको हम आशा करते हैं अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें और दोस्तों टेलीग्राम में चैनल के लिए, इसलिए दोस्तों मैं टेलीग्राम के लिए आपको बार बार फोर्स कर रहा हूं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट हैं वहां पर उनको ये वीडियो मतलब नहीं मिल पा रहा, कुछ लोग को नोटिफिकेशन नहीं जा रहा है, इसलिए मैंने दोस्तों टेलीग्राम पर अपना चैनल बनाया, जिससे आपको दोस्तों क्या होगा टेलीग्राम से ऐड होंगे तो आपको सभी वीडियो प्रोवाइड। और आपको दोस्तों फिर से बताना चाहेंगे आपको क्या सर्च करना है, करंट स्टडी दोस्तों स्पेस नहीं करना है, सिंपली आप जब करंट स्टडी सर्च करेंगे वहां पर जैसा कि हमारा चैनल है यहां पर यूट्यूब पर, जस्ट इसी प्रकार आपको सर्च करना है करंट स्टडी, बस करंट और स्टडी के बीच स्पेस नहीं करना, दोनों को एक साथ लिखना है और सर्च करेंगे जो आपका आएगा दोस्तों वहां पर हमारे यूट्यूब में जैसे लोगो है जस्ट उसी प्रकार उसमें लोगो है, आप उसको वहां पर ऐड होइए और सभी वीडियो आपको मिलेगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, धन्यवाद।